सेवेंथ फेज बिहार शिक्षक बहाली अपडेट। जी हाँ दोस्तों, नियमावली में एक और संशोधन। शिक्षा मंत्री जी फिर से बोले। आज के पेपर के माध्यम से जो नियमावली में संशोधन हुआ है उस कटिंग को दिखाने वाले हैं। और एक अन्य अवसर पर शिक्षा मंत्री जी गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के प्रति जो है राज्य सरकार गंभीर है ऐसा बोले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा मंत्री जी क्या कुछ बोले हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के प्रति राज्य सरकार गंभीर है, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी ने राजद के सुनवाई कार्यक्रम में भागीदारी की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने दोनों लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समाधान की दिशा में जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि योग्य शिक्षकों की बहाली के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि युवाओं के को परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। राजद प्रदेश कार्यालय में सुनवाई में शामिल रही राज्य के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी ने कहा कि पराग प्रशिक्षण केंद्र राज्य सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो शिक्षक बीपीएससी परीक्षा देने से डर रहे हैं, वहीं शिक्षक नियमावली पर कुछ भी बोल रहे हैं, यह गलत है। सच्चाई यह है कि इस नियमावली से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। कहा कि जो लोग नई नियमावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, दरअसल वे शिक्षा के नाम पर नफरत बांट रहे हैं। तो ये था अपडेट आज का, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का क्या कहना है। और एक जो अभी बदलाव हुआ है नियमावली में, संशोधन हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, विज्ञापन संख्या 26/2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 की कंडिका 8 के नोट 2 के क्रम संख्या 9 के नोट को निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है। क्या संशोधित किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यथा पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, आईजी, आईएमएस इत्यादि से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। यही संशोधन किया गया है, किसी भी अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से, इसमें से जो भी लिखा गया है ये किसी से भी जो है आप बना सकते हैं। दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं शेष शर्त यथावत रहेगी। केवल ये जो है कंडिका 8 नोट 2 में ये संशोधन किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही अपडेट आपके सामने लाने का प्रयास किया हूँ।